आप सुन रहे हैं कुलबेली अपने होस्ट ज्ञानेश के साथ। आज मैं लेके आया हूं एक शिक्षाप्रद कहानी जिसका नाम है जादुई पतीला। एक गांव में एक गरीब मजदूर रहता था। वो दिन भर मजदूरी करता था, लेकिन कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उसके पास बहुत पैसे नहीं थे। एक दिन की बात है, मजदूर एक सेठ के खेत में खुदाई कर रहा था। खुदाई करते करते उसकी कुल्हाड़ी एक बड़ी सी चीज पे टकराई। उसे लगा कि जरूर जमीन के अंदर कुछ बहुत कीमती चीज छुपी हुई है। उसने उस जगह को खोदना शुरू किया। कुछ समय खोदने के बावजूद भी उस चीज का अंत भाग नहीं मिल रहा था। बहुत समय खुदाई करने के बाद एक बहुत बड़ा पतीला जमीन में से निकला। पतीला इतना बड़ा था कि जिसमें एक साथ 100 लोगों का खाना बन सकता था। पतीला देखकर मजदूर बहुत उदास हो गया। उसने सोचा कि इतनी सारी मेहनत करने पर भी एक पतीला निकला। मेरे घर में तो मैं सिर्फ अकेला ही रहता हूं, मैं इस पतीले का क्या करूंगा। वो खुदाई की वजह से बहुत थक गया था, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए गया। उस समय उसकी कुल्हाड़ी उस पतीले में गिर गई। जब वो आराम कर उठा तो उस पतीले में बहुत सारी कुल्हाड़ियां दिखाई थी। वो उसे देखकर चौंक गया। उसने आसपास देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मजदूर ने सारी कुल्हाड़ियां गिनी। उस पतीले में 100 कुल्हाड़ियां थीं। उसको लगा कि ये कोई मामूली पतीला नहीं है, जरूर ये कोई जादुई पतीला है। ये पतीला जादुई है कि नहीं, ये परखने के लिए उसने वापस से पतीले में एक कुल्हाड़ी डाली। थोड़ी देर में ही वो एक कुल्हाड़ी 100 कुल्हाड़ियों में बदल गई। ये देख गरीब मजदूर बहुत खुश हुआ। वो उस पतीले को लेकर अपने घर गया और उसमें कुल्हाड़ियों को 100 गुनी करने लगा। उसने खेत में मजदूरी करना छोड़ दिया। वो कुल्हाड़ियों को बेचकर धन कमाने लगा। अब वो धन को 100 गुना करने लगा और 100 गुने धन को वो फिर से 100 गुना करने लगा। ऐसा करते करते वो अमीर बन गया। ये सारी बात उस सेठ को पता चली। सेठ उस मजदूर के घर गया। मजदूर बहुत धनवान हो गया था। उसने उस मजदूर से अपना पतीला वापस मांगा और कहा कि ये पतीला मेरे खेत से निकला है, इसलिए ये मेरा पतीला है। उस मजदूर ने उनसे कहा कि ये मुझे मिला है, ये मेरे मेहनत की कमाई है, इसलिए ये पतीला मेरा है। मगर आखिर में उस मजदूर को पतीला देना पड़ा। पतीला चले जाने पर भी वो मजदूर उदास नहीं था, क्योंकि मजदूर ने सोचा कि अब मेरे पास बहुत सारा धन है जिससे मैं बिना कुछ करे बहुत अच्छे से जिंदगी जी सकता हूँ। दूसरी तरफ वो सेठ उस पतीले को अपने घर ले गया और उसमें उसके घर के सारे कीमती सोने के जेवरात और आभूषण सबको पतीले में डालकर 100 गुना करने लगा। 100 गुना सोने जेवरात और आभूषणों को भी वो 100 गुना करने लगा। ऐसा करते करते वो पूरे गांव का नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे अमीर सेठ बन गया। ये सारी बात उस नगर के राजा को पता चली। वो राजा सैनिक लेकर उस सेठ के घर पहुंचा। उसने उससे कहा कि इस नगर की प्रत्येक चीज पर उसका अधिकार है, इसलिए ये जादुई पतीला उसका हुआ। ऐसा कहकर उसने उस सेठ को धक्का दिया और वो पतीला लेकर चला गया। वो राजा उन दोनों से बहुत ज्यादा लालची था। उसने अपना सारा खजाना 100 गुना कर दिया। उस 100 गुना खजाने को भी उसने वापस 100 गुना कर दिया। ऐसा करके वो दुनिया का सबसे अमीर राजा बन गया। एक दिन वो राजा उस पतीले के पास आया और सोचने लगा कि इस पतीले में जरूर कुछ होगा जो उसको जादुई बनाता है, क्योंकि ये पतीला दिखने में तो बहुत साधारण सा है।
इसलिए वो उस पतीले के अंदर गया और उस पतीले में ढूंढने लगा। तभी उस पतीले में उस राजा के हमशक्ल राजा आने लगे। धीरे धीरे करके उस पतीले में से 100 राजा निकले। वो राजा अपने 100 हमशक्ल को देखकर घबरा गया और अपने आप को मारने लगा और कहने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने आप को ही 100 गुना कर दिया। पतीले से निकले हुए 100 राजा अपने आप को असली राजा मानने लगे। ये बात बहुत बढ़ गई। बात इतनी बढ़ गई कि वो 100 राजा एक दूसरे से आपस में लड़ने लगे। सभी राजा बराबर बलशाली थे, इसलिए वो सभी राजा लड़ाई में मर गए और उस लालची राजा का भी अंत हो गया जिसने 100 राजा निकाले थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्यादा लालच बहुत विनाशकारी होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।